आज बहुत से लोगों के लिए ये यक्ष प्रश्न बन गया है कि जॉब करें या बिजनेस करें। तो अगर आप थोड़ा सा अटेंशन पे करते हैं और इस वीडियो में मेरे साथ बने रहते हैं तो हो सकता है आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाए और आप दूसरों का भी एक बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव क्लियर कर पाए। मेरा नाम अनुराग ऋषि है। आई एम अ ट्रांसफॉर्मेशनल स्पीकर एंड अ ह्यूमन पोटेंशियल ट्रेनर और आज आपको बताऊंगा कि जॉब या बिजनेस में से क्या सही है। तो जब लाइव इवेंट्स में कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि जॉब या बिजनेस में से क्या सही है, तो मैं उन्हें एक एग्जांपल देता हूं जो आपको भी दूंगा कि एक इंसान जो अपनी गाड़ी को लेकर के फ्यूल स्टेशन पर जाता है, जिसे हम पेट्रोल पंप बोलते हैं, फ्यूल स्टेशन पर जाता है रिफ्यूलिंग के लिए और शीशा नीचे करके, विंडो नीचे करके वो बोलता है पेट्रोल पंप अटेंडेंट को कि फ्यूल डाल दो। तो पेट्रोल पंप अटेंडेंट पूछता है कि सर डीजल डालना है या पेट्रोल? तो गाड़ी वाला बोलता है कि जो सबसे बढ़िया फ्यूल है वो डाल दो। तो पेट्रोल पंप अटेंडेंट बोलता है कि जी बढ़िया फ्यूल नहीं, आपकी गाड़ी डीजल है तो डीजल डलेगा, पेट्रोल है तो पेट्रोल डलेगा। गाड़ी वाला बोलता है नहीं नहीं भैया, जो बढ़िया सबसे बढ़िया फ्यूल मार्केट में चल रहा है, जिसका स्कोप है, जिसकी डिमांड है, वो वाला फ्यूल डालो। तो पेट्रोल पंप अटेंडेंट बोलता है कि नहीं सर, जो इस गाड़ी के अंदर इंजन है वही बाहर से जब चीज डलेगी तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो गाड़ी बंद पड़ जाएगी, इंजन खराब हो जाएगा। आर यू गेटिंग दिस थिंग? कि हम लोगों से बाहर पूछ रहे हैं और लोग हमें बता रहे हैं कि जॉब कर लो, बिजनेस कर लो। ये लोगों का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, क्या बेहतर है क्या नहीं है, ये लोगों का माइंडसेट है, उनकी इनर कोर वैल्यूज के साथ जो अलाइनमेंट है वो उसके हिसाब से बता रहे हैं। आपको क्या करना है जो आपकी इनर कोर वैल्यूज से अलाइन होता होगा, जो आपके अंदर इंजन है, जो आपके अंदर का सिस्टम है, जब आप उसको बाहर ऑप्ट करते हैं तभी गाड़ी रनवे पर बहुत तेज दौड़ती है। अगर वो मिसमैच हो जाएगा तो आप देखेंगे बहुत से लोग जॉब से परेशान हो रहे हैं, बहुत से लोग बिजनेस चल नहीं रहे, पूरी कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि कुछ लोग जॉब के लिए नहीं बने और कुछ लोग बिजनेस के लिए नहीं बने। तो जरूरत है अपने अंदर देखने की कि हम किस चीज के लिए बने हैं। अब ये कैसे होगा, इस वीडियो में यही मैं आपको बताने वाला हूं। तो मैं यहां पर दो तीन चीजें मान करके चल रहा हूं। सबसे पहली तो ये कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप अपनी सेल्फ, इस वीडियो को क्या, अगर आप इस चैनल पर हैं या ऐसे वीडियोस देखते हैं तो मैं मानता हूं कि आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि इस पर्सपेक्टिव को समझने से पहले आपका सेल्फ डेवलपमेंट की जर्नी पर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जॉब में या बिजनेस में उसी इंसान का स्कोप है जो अपने आप को डेवलप कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, जो जिंदगी में आगे कुछ कॉन्कर करना चाहता है। देखो, रिसेशन उस जगह पर है जहां पर लोग अपने आप को अपग्रेड नहीं करते। अगर कोई कंपनी कोई बंद हो रही है और वो किसी लोगों को निकाल भी रही है तो वो लोग बेरोजगार रहेंगे जिन्होंने अपने आप को डेवलप नहीं किया, जो अपने आप को अपग्रेड नहीं कर रहे। जो अपग्रेड कर रहा है उसका स्कोप ही स्कोप है। और जो लोग बोलते हैं कि जॉब्स नहीं है कंट्री में, मैं आपको दावा करके बोलता हूं कि लाखों की तादाद में जॉब्स हैं, लेकिन वो एप्रोप्रिएट कैंडिडेट मांग रहे हैं। अरे हमारा डिफेंस सिस्टम, हमारी आर्मी कह रही है लाखों की तादाद में ऑफिसर्स चाहिए, शॉर्ट, वी आर रनिंग शॉर्ट ऑफ ऑफिसर्स, लेकिन उनको एप्रोप्रिएट कैंडिडेट नहीं मिल रहे। तो हम ये नहीं कह सकते कि मार्केट में जॉब्स नहीं है। हमने अगर अपने आप को अपग्रेड किया है तो जॉब्स ही जॉब्स है। और हम ये भी नहीं कह सकते कि बिजनेस में रिसेशन, बिजनेस नहीं चलते। अगर हम बिजनेस में भी अपने आप को अपग्रेड कर रहे हैं और एक तरीके पैटर्न सिस्टम को समझ रहे हैं तो बिजनेस में भी बहुत स्कोप है। और दूसरी चीज कि बिजनेस को समझने से पहले कि बिजनेस क्या है, उससे पहले एक टर्म जॉब और बिजनेस के बीच में जो आती है उसे समझना होगा, वो है सेल्फ एम्प्लॉयड। बिजनेस का मतलब होता है कि वो सिस्टम जहां पर आपने ऑटोमेटेड फनल तैयार कर दिया है, जहां पर आपने पाइपलाइन बिल्ड कर दी है कि आपके न जाने से भी अब काम चलता है। एक पाइपलाइन बिल्डिंग हो गई है कि आप नहीं जा रहे तो भी बिजनेस चल रहा है, तो भी काम चल रहा है, उसका मतलब होता है बिजनेस। लेकिन जहां पर आप काम कर रहे हैं, जब बहुत से लोग दुकान चलाते हैं, बहुत से लोग कोई छोटे मोटे ऐसे बिजनेस कर रहे हैं, यूट्यूबर हैं, डॉक्टर हैं, लॉयर हैं, बहुत से ऐसे लोग ये काम कर रहे हैं, तो इसको वो बिजनेस बोलते हैं। लेकिन ये बिजनेस नहीं है, ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, ये जॉब की तरह है। बस फर्क इतना है कि यहां पर जॉब आपने अपने आप को खुद को दे रखी है, आप खुद के बॉस हैं। तो जब हम बिजनेस के पर्सपेक्टिव को देखने की कोशिश करेंगे तो ये सेल्फ एम्प्लॉयड कैटेगरी को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी होगा, क्योंकि इसके बिना बिजनेस को नहीं समझा जा सकता। मैं यहां पर ग्रास रूट लेवल पर बात कर रहा हूं, मैं यहां बात कर रहा हूं उस जगह की जहां से आप जॉब या बिजनेस शुरू करने वाले हैं। मैं इस लेवल पर बात नहीं कर रहा हूं। मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आप भी मेरी तरह एक आम आदमी है और आपको जब बिजनेस शुरू करना है या जॉब करनी है तो ग्रास रूट लेवल से करनी है। आप कोई टाटा बिरला या अंबानी के परिवार से नहीं आते हैं कि आप बिजनेस शुरू करना चाहेंगे और वो लोग बोलेंगे कि लो बेटे 300 करोड़ रुपए लो और खड़ी कर दो एक इंडस्ट्री, या कोई फंडिंग एंजल इन्वेस्टर्स आपको मिल रहे हैं 5,000 करोड़ रुपए दे करके और बोल रहे हैं कि लो इंडस्ट्रीज खड़ी कर दो। नहीं, तो हमें तीन चीजों को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहली है इनर कोर वैल्यूज।
जो आपके अंदर है, जो इनर कोर वैल्यूज हैं, उन्हीं पर डिपेंड करेगा कि आप किस जगह फिट होने वाले हैं, जॉब में या बिजनेस में। दोनों बिल्कुल कंप्लीटली डिफरेंट, अलग मुख्तलिफ चीजें हैं। इन दोनों को समझने के लिए इनर कोर वैल्यूज को समझना जरूरी है। सबसे पहली इनर कोर वैल्यू है पेशेंस। क्या आपके अंदर पेशेंस है? क्या आप इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हो या डिलेड ग्रेटिफिकेशन से काम चल जाता है? सब कुछ इमीडिएटली एकदम चाहिए या आप पेशेंस रख सकते हो 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल का? समझ रहे हो? अगर आपका पेशेंस लेवल बहुत ज्यादा कम है, कई लोगों के अंदर ये बाय डिफॉल्ट ये चीजें होती हैं, आपका पेशेंस लेवल बहुत कम है, आप सैलरी के लिए महीना, 2-3 महीना वेट नहीं कर सकते, मैं कुछ और सर्कमस्टांसेस की बात ही नहीं कर रहा हूं, सिर्फ पेशेंस कम है, तो आपको जॉब करनी चाहिए अगर आप वेट कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस जो है, मैंने बोला ना, बिजनेस के दो पहलू हैं। एक वो पहलू है बिजनेस बनने से पहले का, और एक पहलू है बिजनेस पाइपलाइन बिल्ड करने के बाद का। एक पहलू है बिल्कुल अलग, और सिर्फ पैसे के लिए नहीं, कई चीजों के लिए पेशेंस रखना पड़ेगा। सेकंड ये देखना होगा व्हाट ड्राइव्स यू। 3 तरह के लोग हैं, सेल्फ ड्रिवन, पीपल ड्रिवन और सर्कमस्टांसेस यानी सिचुएशन ड्रिवन। जो सिचुएशन, जो परिस्थितियां जिनको चलाती हैं, कुछ लोग होते हैं ना कुछ नहीं करते, पर जब सिर पे पड़ती है तभी वो उठ खड़े होते हैं, जब बिल भरने की लास्ट डे आती है तभी वो घर से निकलते हैं। जो दूसरी तरह के लोग हैं पीपल ड्रिवन, जिनको लोग चलाते हैं, ये लोग कई बार खुद से इनिशिएट नहीं लेते, लेकिन अगर कोई दूसरा इनको पुश करे या पुल करे तो ये लोग काम करते हैं। पहली तरह के लोग हैं सेल्फ ड्रिवन, जिनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, जो सेल्फ डिसिप्लिन है, जिनका पर्पस आइडेंटिफाइड है। तो यकीन मानो, जब आप जॉब करना चाहते हैं तो सेल्फ ड्रिवन वहां पर फिट होता है, पीपल ड्रिवन वो भी वहां पर फिट होता है। क्योंकि कई बार जॉब में तो ऐसा होता है ना, आपके ऊपर एक बॉस है डंडा करने के लिए, बात बोलने के लिए, डांटने के लिए, कुछ काम करवाने के लिए। तो कई बार जब इंसान सेल्फ ड्रिवन नहीं भी होता तो जॉब में पीपल ड्रिवन वाला आदमी भी चल जाता है। सेल्फ ड्रिवन वाला बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, पीपल ड्रिवन वाले से दूसरे लोग बढ़िया परफॉर्म करवा लेते हैं, बॉस बढ़िया परफॉर्म करवा लेता है। बिजनेस में सिर्फ और सिर्फ सेल्फ ड्रिवन इंसान चलता है। तीसरी चीज, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी कितनी है? अरे भैया, ऐसे नहीं बिजनेस कर लेंगे कोई भी, ऐसे नहीं जॉब कर लेंगे, समझना पड़ेगा। अगर आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी हाई है तो आपको बिजनेस करना चाहिए। एलॉन मस्क, अरे क्या कमाल का बंदा है। जब ये पेपैल से निकलते हैं $165 मिलियन लेकर के निकलते हैं, उसके बाद ये स्पेसएक्स की शुरुआत करते हैं, पहला प्रोजेक्ट, पहला रॉकेट उड़ाते हैं, तो उड़ाने से पहले ही वो बूम कर जाता है, फट जाता है। दूसरा रॉकेट जब ये लॉन्च करते हैं तो वो ऑफ रूट हो जाता है, कहीं और चला जाता है, $165 मिलियन खत्म। ये तीसरा रॉकेट जब लॉन्च करते हैं तो वो भी ऑफ रूट हो जाता है, लेकिन उसके लिए पैसा नहीं बचा था, वो इन्वेस्टर से लिया, लोगों से लिया, इधर से लिया, उधर से लिया, सब खत्म हो गया, इतना बड़ा रिस्क लिया। लेकिन फोर्थ अटेम्प्ट के लिए कुछ भी नहीं बचा, इन्वेस्टर नहीं बचा, पैसा नहीं बचा, अपना पैसा खत्म है, लेकिन फिर भी इन्होंने कहीं इधर उधर से रिस्क लेकर के हाई रिस्क पर पैसा लिया, क्योंकि ये जानते थे कि मैं इस रॉकेट को लॉन्च करके ही रहूंगा बिल्कुल ठीक तरीके से। फोर्थ अटेम्प्ट में स्पेसएक्स ने अपना पहला रॉकेट जो है वो लॉन्च किया और वो बिल्कुल ठीक जाकर बैठा। तो ये रिस्क टेकिंग एबिलिटी जो है, अगर आप, बहुत से लोगों के अंदर इनहेरिटेडली ये चीजें नहीं होती, अगर आपके अंदर रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, गो फॉर द बिजनेस। लेकिन उसके साथ एक, मैं मानकर चल रहा हूं, आपके पास बेहतरीन आइडिया भी है, आपके पास बेहतरीन कॉन्सेप्ट भी है, जिसमें आपकी कन्विक्शन 100% स्ट्रांग है, आप अगर रिस्क ले सकते हैं गो फॉर द बिजनेस, अगर नहीं ले सकते गो फॉर द जॉब। तो आपकी इनर कोर वैल्यूज में चौथी चीज जो आती है वो है एक्सपेक्टेशन ऑफ फेलियर। आप फेलियर को कितना पचा सकते हैं, डाइजेस्ट कर सकते हैं? क्योंकि बिजनेस जब आप करेंगे तो फेलियर्स टाइम टू टाइम बहुत ज्यादा आएंगे, ऐसा नहीं है, जॉब में भी कई बार फेलियर्स आते हैं, आपको कई तरह के सेटबैक का सामना करना पड़ता है, लेकिन बिजनेस में तो इंसान ब्रोकआउट भी हो जाता है, बैंकरप्ट भी हो जाता है, मार्केट से लोग निकाल देते हैं, इन्वेस्टर छोड़ देते हैं, अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, सिस्टम नहीं चल रहा, कई तरह के प्रॉब्लम्स, कई तरह के फेलियर्स, मल्टीपल फेलियर्स अगर इंसान में झेलने का दम है तो बिजनेस वो कर सकता है। लेकिन बहुत से लोग हैं जिनका जिगरा, जिनका यहां से थोड़ा कमजोर होता है सिस्टम, जिनमें फेलियर देखने का ज्यादा दम नहीं होता। अगर आप ये डेवलप कर सकते हैं गो फॉर इट, नहीं कर सकते तो आप जॉब के लिए बिल्कुल अप्रोप्रिएट बने हैं, क्योंकि यहां पर आपको मल्टीपल फेलियर्स और एक के बाद एक सेटबैक और ये देखना नहीं पड़ता, बिजनेस का ये पार्ट है, आप बिजनेस में ये कंसिडर करके ही चलते हैं कि ये सब चीजें मिलेंगी। तो पहली चीज, अपनी इनर कोर वैल्यूज को समझो, उसके बेसिस पर जो अंदर है वैल्यूज, उसके बेसिस पर आप डिसीजन लोगे कि आप जॉब के लिए बने हो या बिजनेस के लिए। दूसरी चीज, आपका माइंडसेट और स्किल सेट देखना जरूरी है। जॉब माइंडसेट क्या है? कि आप एक फिक्स्ड पैटर्न पर काम करके खुश हो, आप 9 to 5, वैसे जॉब को 9 to 5 बोला जाता है, कई जगह पर सेल्स या बाकी जो जॉब है वो 9 to 9 भी हो सकती है, लेकिन फिक्स्ड पैटर्न है, एक एक फॉर्मल्स में फिक्स्ड, आप इंसान ने जाना है एक फिक्स्ड जगह पर जाना है, फिक्स्ड पैटर्न के साथ जो लोग काम करना पसंद करते हैं, ये एक बहुत अच्छा रूटीन है जो लोग फॉलो करना चाहते हैं। लेकिन कुछ लोग, वहीं उनका माइंडसेट बिल्कुल अलग है, वो कह रहे हैं कि नहीं जी, मैं
किसी दूसरे के लिए तो काम कर ही नहीं सकता हूं, और जॉब में आप दूसरे के लिए काम कर रहे हो, अपने लिए काम नहीं करते हो आप 9 to 5। इसीलिए तो इंसान जल्दी जल्दी जॉब से घर आना चाहता है, क्योंकि वो दूसरे के लिए, दूसरी कंपनी, दूसरे बिजनेसमैन, किसी और को फायदा हो रहा है। बिजनेस में इंसान अपने लिए काम करता है। बिजनेस माइंडसेट क्या है कि कई बार 9 to 5 छोड़ो, 9 to 9। 9 to 9 कौन सा? आज सुबह 9 बजे से कल सुबह 9 बजे तक का सर्कल घूम गया, आप अपने ऑफिस से नहीं निकल पाए, आप अपनी फैक्ट्री, अपने धंधे, अपने काम से नहीं निकल पाए। जॉब में आपको स्किल्स की बहुत ज्यादा जरूरत होती है, लेकिन बहुत सारी स्किल्स की नहीं होती। आप एक चीज में मास्टरी करके, किसी एक चीज को सीख के जॉब में एंटर कर सकते हो, और वो उस पर आपको बहुत ज्यादा अपग्रेडेशन की जरूरत नहीं होती। लेकिन वहीं जो इंसान बिजनेस करना चाहता है, मैंने बताया वो सेल्फ एम्प्लॉयड से शुरू करता है, वो नौकरी के तरीके से शुरू करता है, वो उसको अपना सब कुछ दाव पर लगाना पड़ता है। अगर आप किसी किसी बैंक में मान लीजिए मैनेजर हैं, तो आपको कोई नहीं बोलेगा कि जाओ पानी पिलाओ, कोई बोलेगा? कोई नहीं बोलेगा। लेकिन बिजनेस में आप जब बिजनेस शुरू करते हैं, तो पानी भी आपको पिलाना पड़ता है, शटर भी आपको डाउन करना पड़ता है, फैक्ट्री का माल भी ढो करके खुद लाना पड़ता है, वो डिस्ट्रीब्यूट करने भी खुद जाना पड़ता है, मतलब हर वो काम करना पड़ता है, हर लेवल से गुजरना पड़ता है। कुछ लोगों की डिग्निटी अलाउ नहीं कर, वो कहते मैं थोड़ा पानी पिला सकता, नहीं नहीं मेरे से नहीं काम होता। लेकिन एक इंसान जो बिजनेस करता है, वो उसको सब ऊपर नीचे एवरी तरह का काम उसको देखना पड़ता है। जब आप बिजनेस के सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले फेज में होते हो, सब कुछ खुद करना पड़ता है। तो ये एक माइंडसेट है कि मैं हर काम करने को तैयार हूं, फ्लेक्सिबल हूं, या नहीं मुझे व्हाइट कॉलर जॉब ही चाहिए। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि आपका जॉब माइंडसेट है या बिजनेस माइंडसेट है। जॉब माइंडसेट वाला बिजनेस में आ जाएगा परेशान हो जाएगा, बिजनेस माइंडसेट वाला जॉब में चला जाएगा परेशान हो जाएगा, क्योंकि वो मैच नहीं करता सिस्टम दोनों जगह का, दोनों की हायरार्की मैच नहीं करती, दोनों का काम करने का पैटर्न मैच नहीं करता। जॉब वाले को कहता है, जॉब वाले को लगता है, जॉब माइंडसेट कहता है सैटरडे संडे मिलेगा ना, मजा आएगा, वीकेंड घूमने चलेंगे, छुट्टी मनाएंगे। बिजनेस जो स्टार्ट कर रहा है, बिजनेस बना नहीं है अभी, स्टार्टिंग में हो सकता है 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल, सैटरडे संडे हो ही ना, सही बता रहा हूं, हो सकता है सैटरडे संडे ना हो। आपको पूरी मेहनत दिन रात की लगानी पड़े बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, और फिर उसके बाद एक ऐसी पाइपलाइन बिल्ड हो कि आप सैटरडे संडे, पूरी जिंदगी सैटरडे संडे बन जाए। तो वो जो पहले के सैटरडे संडे खोए, हो सकता है 5 साल बाद वो सब इकट्ठे मिल जाए। तो ये डिपेंड करेगा कि आपका माइंडसेट क्या है। और जिंदगी में हर चीज का मापदंड सिर्फ पैसा नहीं है, कि बिजनेस में पैसा कई अरबों खरबों में, करोड़ों रुपए में कमाया जा सकता है, और जॉब में कम कमाया जा सकता, नहीं। एक अच्छा लाइफस्टाइल, एक अच्छी जिंदगी, जॉब में भी एक इंसान बहुत अच्छा लाइफस्टाइल देख सकता है, बिजनेस में भी देख सकता है। लेकिन जानना यह जरूरी है कि हमारी कौन सी चीज अंदर से अलाइन होती है और मैच होती है। और लास्ट चीज जो बहुत ज्यादा जरूरी है, वो है आउटर फैक्टर्स, आपकी इनर कोर वैल्यूज, आपके स्किल सेट और माइंड सेट, और आउटर फैक्टर्स। कई बार बाहर की परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि एक इंसान जॉब कर रहा था, लेकिन कुछ परिस्थितियों के कारण उसको अपना फैमिली बिजनेस संभालना पड़ रहा है इमरजेंसी में अचानक से आकर के, तो इसका आप कुछ भी नहीं कर सकते। आउटर फैक्टर्स को कई बार बहुत ज्यादा जरूरी देखना पड़ता है। और एक कोई परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि एक इंसान को अपना बिजनेस बंद करके नई कोई जॉब शुरू करनी पड़ती है, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन जाते हैं। तो इसलिए ये आउटर फैक्टर्स पर भी बहुत डिपेंड करता है कि एक इंसान किस जगह पर, किस दिशा में जाएगा। तो लोगों की मत सुनो, वो फ्यूल मत डलवाओ जो बढ़िया है, वो फ्यूल मत डलवाओ जिसका स्कोप है, जो अच्छा चल रहा है, जो सस्ता है या जो महंगा है। उस चीज पर ध्यान दो जो आपकी इनर कोर वैल्यूज से अलाइन होता हो, आपका माइंडसेट और स्किल सेट जिस चीज की गवाही देता हो, उसके साथ कनेक्ट करो। आप देखोगे जिंदगी बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगी। सिर्फ और सिर्फ जॉब करने वाली अच्छी जिंदगी नहीं जी रहे, या सिर्फ और सिर्फ बिजनेस करने वाला इंसान अच्छी जिंदगी नहीं जी रहा। अच्छी जिंदगी वो जी रहा है जो अपनी अलाइनमेंट बिठा रहा है एक्सटर्नल चीजों के साथ, इंटरनल सिस्टम की। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना, और इसको हर इंसान के साथ शेयर करना है, हर इंसान के साथ, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं इस उधेड़बुन में है कि जिंदगी में किया क्या जाए। इसलिए ये वीडियो हर इंसान के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा, और किन टॉपिक्स पर क्या आपके सवाल हैं जिन पर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अपना इनसाइट प्रेजेंट करूं और वीडियोस लेकर के आऊं। आपकी जिंदगी खुशियों से भरी हो, यही दुआ करता हूं। आई विश यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ पीस, टन्स ऑफ हैप्पीनेस एंड बंडल्स ऑफ सक्सेस इन योर लाइफ। बी हैप्पी, बी अलाइव।